उसका उसके बाप का मंदिर है क्या? सोते उठते जगते भाजपा को इरफान फोबिया हो गया। इस राज्य में सबसे बड़ा आदिवासियों का हितैषी इरफान अंसारी है, और आज आप ट्वीट पे हमको गाली दे रहे हैं कि इरफान अंसारी मंदिर में टीका पूछ लिया, क्या आपको शोभा देता है क्या? और आदिवासी भाजपा के तरह छल कपट नहीं जानता है। अभी भाजपा के विधायकों ने मुझे बताया कि वो बलात्कारी है, बलात्कार किया है, बताइए। एक झाप मारते अभी खत्म कर देते उसको। नमस्कार, दी एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान ने जहां पूरे देश की राजनीति को गर्म कर दिया, तो वहीं झारखंड विधानसभा में भी इसका असर साफ देखने को मिला, जहां बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के विधायक आपस में भिड़ गए। आखिर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने बयान के जरिए क्या कहना चाह रहे थे, हम सीधे उनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। हमारे साथ इस वक्त इरफान अंसारी है बात करने के लिए, इनसे जानते हैं। सदन का पांचवा दिन था और पांचवें दिन भी काफी हंगामा देखने को मिला, सबसे ज्यादा सुर्खियों में आप रहे। देखिए, मैं तो खुद नहीं चाहता कि मैं सुर्खियों में रहूं, लेकिन भाजपा के लोग को सोते उठते जगते भाजपा को इरफान फोबिया हो गया। ठीक है, ये लोग हमको लगता है कि इरफान अंसारी से इतना क्यों दहशत है। इस राज्य में सबसे बड़ा आदिवासियों का हितैषी इरफान अंसारी है। पूरी जिंदगी मैंने दे दिया आदिवासी की सेवा करने में, कभी भी जब भी मिलता हूँ झुक के मिलता हूँ, पैर छूता हूँ, यही मेरे दाता है। ये लोग इसको आगे ला रहा हूँ इस समाज को मैं, पूरे देश भर में आपको लेकर। हाँ मैडम, आप मेरे बयान क्या, मैंने क्या बोला बयान, वही तो कह रहा हूँ। हमको बताते थे, पूरा वीडियो सुन के तो दिखा दे। मैंने बाबूलाल जी को कहा, मैंने बाबूलाल को मैंने कहा कि बाबूलाल जी, आप एक सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे राज्य के, आपसे कांग्रेस का भी ताल्लुक रहा है, कई मंच हमने साझा किया आपके साथ, हमेशा आपने इरफान अंसारी की प्रशंसा किया, और आज आप ट्वीट पर हमको गाली दे रहे हैं कि इरफान अंसारी मंदिर में टीका पूछ लिया, क्या आपको शोभा देता है क्या? मंदिर हम बनवा रहे हैं, वहाँ के लोग कितने आक्रोशित है मालूम है मैडम, कि विधायक जी बाबूलाल जी क्यों कूद गए? कम से कम कहना ये चाहता हूँ, मेरा एरिया का मामला आप क्यों पढ़ रहे? यही बात मैं सदन में उठाया कि आदिवासी जो है ना, बाबूलाल जी आप एक आदिवासी हैं, ठीक है, और आदिवासी भाजपा के तरह छल कपट नहीं जानता है। जो आप जो छल कपट कर रहे हैं ये बंद कीजिए। आदिवासी सुनिए, बाबूलाल जी आप जो भाजपा में जाके जो आप हेडमास्टर हो गए तिगड़म बाज के ना, वो मेरा आदिवासी समाज नहीं है। ये बातें चल रही थी उसी पे कुछ क्रॉप कर लिया। कहना क्या चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि आदिवासी भोला भाला समाज है, ठीक है, और बाबूलाल मरांडी जी आप एक आदिवासी हैं, कहाँ भाजपा के कचरे में फंस गए? बाहर ठीक थे, जैसे आप भाजपा ऑफिस से निकले इतना नफरत, एक भोली भाली समाज के नेता हैं आप, ठीक है, ये सेंस था मेरा, लेकिन इसमें तेज आ गया। बीजेपी आपको टारगेट कर रही है सदन में, जिस तरीके से बीजेपी विधायक ट्विटर में मार रहा है, रवैया रहा उसको कैसे? देखिए, शशि भूषण अभी भाजपा के विधायक ने मुझे बताया, अभी भाजपा के विधायकों ने मुझे बताया कि वो बलात्कारी है, बलात्कार किया है, बताइए। उसका आप देखिए, देखने से लगता है जाहिल गंवार अनपढ़ आदमी और इरफान अंसारी से तुलना करेगा। अब हमसे लाइमलाइट ले रहा था, एक झाप मारते अभी खत्म कर देते उसको वहाँ, लेकिन हम डिसिप्लिन के आदमी है। वो भी आपको लेकर कुछ ऐसा ही बयान दे रहे थे, सभी मीडिया से बातचीत करते हुए वो कह रहे कि इरफान अंसारी अगर मंदिर के आसपास भी भटके तो वो। जी देखिए मैडम, ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, आपका आचरण अमर्यादित था, लोग बर्दाश्त नहीं करेगा उसको, सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। शशिभूषण मेहता जाते जाते आपको सचेत किए हैं और कहें कि मंदिर के आसपास भी इरफान अंसारी नहीं भटकने चाहिए। उसका बाप का मंदिर है क्या? उसका बाप का मंदिर भूसा दिए तो। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।